तो अपने 8 पॉइंट कंप्लीट है, आज चलेगा 9 पॉइंट, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शन। इस पॉइंट को हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यदि इलेक्शन लड़ना है हमें तो हमें कितनी शिक्षा की आवश्यकता है, कितना हमें शिक्षित होना आवश्यक है। When we apply for a job, we need some minimum educational qualification according to the nature of job. जब हम लोग किसी भी जगह पे जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब की प्रकृति के अनुसार हमें एक लिमिट होती है कि तुम्हें इतना तो तुम्हें क्वालिफाई होना पड़ेगा, तुम्हें इतनी क्लास तो पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें ये ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। वो ऐसा हमारी जॉब में जनरली हम देखते हैं, मतलब किसी को पढ़ाना है तो तुम्हें कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तुम्हें कम से कम बीएड करनी पड़ेगी, तुम्हें अगर कोई एग्जाम देनी लाइक सीजीएल देनी एग्जाम, तुम्हें कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तुम्हें पीएचडी करनी, तुम्हें पीजी करनी पड़ेगी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। ऐसे क्या लिमिट होती है हर चीज की। इज देयर ऑल्सो सम प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेचर ऑफ कॉन्टेस्टिंग द जनरल इलेक्शन इन इंडिया। लेकिन क्या हमारे भारत देश में जनरल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या यहां पर भी कोई प्रोविजन है ऐसा कि तुम्हें इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा या तुम्हारी इतनी तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए? द आंसर इज नो, इसका उत्तर नहीं। यानी कि इसका उत्तर ये हो रहा है कि नहीं, हमें कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें पांचवी क्लास पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें आठवीं पास होना पड़ेगा, तुम्हें टेंथ पास होना पड़ेगा, कोई इस चीज की आवश्यकता नहीं है। व्हाई दिस सो? अब मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, जब हमें एग्जाम जॉब करनी है तो हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है और हमें जॉब से भी बेहतर पोजीशन चाहिए। हाँ, हम लोग एमपी एमएलए बनना चाह रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? देखो रीजन क्या है। व्हाई इज देयर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर सच एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। कि आखिरकार क्यों हमारे देश में कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रावधान नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो भी इतनी महत्वपूर्ण पोजीशंस के लिए जहां पे काम सिर्फ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का यानी देश चलाने का। सरकार में कोई एमपी एमएलए बन गया तो वो देश चलाएगा नहीं चलाएगा, सरकार में रह करके देश राज्य के लिए काम करेगा नहीं करेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेगा वो, प्लानिंग भी करेगा कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, ये सारा काम करना है, हमें पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। दिस क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड, इस टाइप के प्रश्न तुम्हारे मन में आ सकते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। Why have the makers of our constitution mentioned that even a citizen without any literacy base can contest general election? कि आखिरकार हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया कि जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हें किसी भी प्रकार की एजुकेशन की जरूरत नहीं है? कुछ तो रीजन होगा करने का, बिना रीजन तो कुछ करते नहीं है अपन लोग नहीं, अपने जो संविधान निर्माता है उन्होंने, तो क्यों किया होगा ऐसा? They were very learned and understood the circumstances of India. हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो लोग काफी समझदार थे, काफी ज्यादा शिक्षित थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दियर इंटेंशन बिहाइंड इट। अब जो आगे के पॉइंट है वहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मानसिकता क्या थी, मानसिकता क्या रही होगी कि उन्होंने पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इलेक्शन वगैरह है उसमें उन्होंने कोई भी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन नहीं रखी, क्या रीजन था? अब देखते हैं, गौर से सुनना, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट सेम टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, कि हर टाइप की जॉब के लिए एक ही जैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। किसी को प्योर बनना है तो वह 10th पास से भी लग सकता है, किसी को एलडीसी बनना है तो वह 12th पास से बन सकता है, किसी को यूडीसी बनना है तो वह ग्रेजुएशन से बन सकता है। इसका मतलब हर जॉब के लिए सेम ही चाहिए, अलग अलग जॉब के लिए हमको अलग अलग टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। क्लियर है इन माइंड में? द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर इंस्टेंस इज नॉट द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होना है तो वहां पे ऐसी कोई वो नहीं है कि तुम्हें 12th पास होना पड़ेगा, नहीं, वहां पे उनको सिर्फ चाहिए जो अच्छा खेलता हो, जिसपे अच्छा खेलने की योग्यता हो, वही वहां पे टीम में जा सकता है। तो आया समझ में? यानी इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें तो कम से कम ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। बहुत से प्लेयर है जिनकी 10th 12th भी नहीं है शायद, लेकिन अच्छा खेल लेते हैं बस। तो आया समझ में? यानी कि क्रिकेट में जाने के लिए अपन का सिर्फ खेलना अच्छा आना चाहिए कुल मिला के।
Similarly, the required qualification for being an MLA or MP is the ability to understand the people's concerns, problem and to present their interests. उसी प्रकार से एक MP और MLA बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो सिर्फ इतनी चाहिए होती है कि आपके अंदर लोगों की समस्याओं को समझना आना चाहिए कि लोगों को समस्या क्या है और उनके जो हित हैं, लोगों के जो हित हैं, लोगों की जो बातें हैं जो उनके इंटरेस्ट में हैं, उनके हित में हैं, उनको दूसरी जगह यानी कि अपने संसद वगैरह में पेश करना आना चाहिए। तो आया समझ में, हमारे संविधान निर्माताओं का यहाँ पे मानसिकता ये थी कि अगर कोई व्यक्ति लोगों की बातों को समझ सके, लोगों की समस्याओं को समझ सके और उनको समझ करके संविधान तक अपने संसद तक पहुंचा सके और उन समस्याओं का निवारण कर सके जिसमें ये योग्यता है वह एमपी एमएलए बन सकता है। यहाँ पे 10th 12th की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट कि क्यों बनाया उन्होंने ऐसा। Whether they can do so or not is examined by lakhs of examiners, their voters after every 5 years. अब वो लोग ऐसा कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये बात कौन वोटर लोग जिन्होंने वोट देके जितवाया है उनको, वो लोग 5 साल का जो टाइम पीरियड हुआ काम करने का उसमें वो लोग देख लेते हैं कि भाई ऐसा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबके माइंड में कि भाई हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझ में आ रहा है? गलती नहीं थी ना, ये उन्होंने जानबूझ के किया। क्यों? उनको लगता है कि तुम्हें अगर एमपी एमएलए बनना है तो तुम्हारे अंदर पढ़ाई की योग्यता ना हो सके, ये योग्यता होनी चाहिए, ऐसा उनको उस समय लगता था। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इवन इफ एजुकेशन वॉज एसेंशियल, कि अगर वास्तव में एजुकेशन की जो शिक्षा है वो इतनी आवश्यक है, इतनी आवश्यक थी, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि अगर शिक्षा की इतनी ही महत्ता है तो हमें ये सब लोगों पे छोड़ना चाहिए कि उन्हें कितना आदमी पढ़ा लिखा चाहिए। यानी कि तो समझो कि मान लो गंगापुर में हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया कि हमें एमएलए चाहिए। अब हमने देखा हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक आदमी है एकदम इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन वो लोगों को अच्छे समझ पा रहा है, पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दिया, अगला आदमी है वो भी लोगों को अच्छे समझता है, लोगों की समस्याओं को समझता है, लेकिन साथ में पढ़ा लिखा भी है वो। तो अब लोग अपने आप चूज कर लेंगे अपने हिसाब से कि उन्हें कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, इलिटरेट चाहिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि ये जनता पे छोड़ दो, उन्हें क्या चाहिए, कितना पढ़ा लिखा चाहिए, हमें जरूरत नहीं है कुछ लिखने की। आया सेकंड पॉइंट समझ में? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इन अवर कंट्री मेकिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अ प्री रिक्विजिट फॉर वोटिंग और कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। हमारे देश में अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, पढ़ाई जो है, उसको हम लोग एक पूर्व निर्धारित एक क्राइटेरिया बना देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम लोग हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी जो भावना है, डेमोक्रेसी की जो एक भावना होती है मन में, उसको हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेजोरिटी जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन, हमारे देश के जो मेजोरिटी वाले लोग हैं, हम उनसे इलेक्शन लड़ने का राइट भी छीन रहे हैं। मतलब दो है समझो इस बात को कि मान लो कोई जगह है जहां पे आदिवासी वाली जगह है, मान लो कोई जहां पे कोई भी नहीं पढ़ा लिखा है। अब मान लो गवर्नमेंट ने सेट कर दी कि 10th पास कम से कम चाहिए हमें एमपी एमएलए, और वहां पूरे एरिया में कोई भी नहीं पढ़ा लिखा, तो मतलब वहां से तो कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा, वहां चुनाव कोई लड़ नहीं पाया, कोई तीसरा चुनाव लड़ेगा। अब तीसरा आदमी कोई आगे वहां चुनाव लड़ रहा है तो क्या वो उन लोगों की समस्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। कौन समझेगा? कि उनमें से कोई एक आएगा ना उठ के, तभी जाके समस्या समझ पाएगा वो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करते हैं तो हम वो लोग जिनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोग उनका चुनाव लड़ने का एक तरीके से हक छीन रहे हैं। आया समझ में? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मत दो। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेजुएट डिग्री लाइक बी ए, बी कॉम और बी एस सी वॉज मेड मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स, मोर देन 90% ऑफ द सिटीजन वुड बिकम इन एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इसके अलावा मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें बी ए, बी कॉम और बी एस सी वाले चाहिए, तो ये कहते ही 90% जनता चुनाव लड़ी नहीं सकती क्योंकि इतने लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, बाकी 10% लोग चुनाव लड़ सकते हैं ओनली। अब 10% लग सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो 90% लोगों का तो अच्छे लिया ना चुनाव लड़ने से, हमने बोल दिया हमको तो ग्रेजुएट चाहिए भाई साहब, तो 90% लोग करें, हम तो लड़ नहीं सकते चुनाव। अब जो लड़ नहीं सकता उसका मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिल रहा,
तो ऐसे अधिकार गवर्नमेंट छीनना, गवर्नमेंट नहीं हमारे संविधान निर्माता हमारे देश के लोगों से छीनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंपलसरी नहीं करने वाले हैं भारत में, क्योंकि लोग खुद भी चूज कर लेगा अपने हिसाब से कि हमें तो कितना पढ़ लिखा चाहिए क्या चाहिए। आई समझ में? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आवर फोर फादर्स डिड नॉट मेक एजुकेशन अ कंपलसरी नीड टू कॉन्टेस्ट द जनरल इलेक्शन। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने आखिरकार क्यों हमारे देश में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक क्राइटेरिया नहीं रखा। आया समझ में? आज के लिए इतना लेन देते हैं, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।